देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन और सामीन, आपने भी ये वीडियो देखी होगी नरेंद्र मोदी की, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है, वायरल हो रही है। आप भी देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए और नसीहत हासिल कीजिए। और जहां लोकसभा के इलेक्शन वोट डलना बाकी है, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मेरे दोस्तों, हमारा वोट ही हमारी पहचान है, हमारा वोट ही हमारे हिंदुस्तानी होने का, नागरिक होने का जो है हमारी पहचान है। इसलिए हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अब तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर भी की जा रही है कि किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक प्रधानमंत्री होता है, यानी पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म जिसको कहा जाता है, और वो किस तरह से भाषण देता है मंच पर खड़े होकर के, और एक कम्युनिटी को लेकर के, एक बिरादरी को लेकर के, एक समाज को लेकर के, आप इस वीडियो में ख़ुद देख सकते हैं कि मुसलमानों को लेकर के जो है किस तरह से भाषण देते हैं और मुसलमानों को टारगेट और निशाना बनाते हैं। तो इसलिए मुसलमानों को भी होशियार रहने की ज़रूरत है, और हर एक को जो है हिंदुस्तानी के हर एक नागरिक को वोट का अपने सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहरहाल, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। हमें बड़ा ही इससे दुख पहुंचा है कि एक कम्युनिटी को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जो है हमारे जो पीएम मोदी हैं, जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी ज़ुबान से हमें ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। बहरहाल, आप इस वीडियो को देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।